हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर सिक्स ट्रायंगल्स ऑफ क्लास टेंथ मैथ इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल विल स्टार्ट चैप्टर सिक्स तो आपको पहले तो जानना है ट्रायंगल्स व्हाट इज ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स वो होते हैं फिगर जिस पे भी तीन साइड हो तीन स्ट्रेट लाइंस ये लाइन स्ट्रेट होनी ज़रूरी है और मीट करें और अगर ऐसे मैंने कोई फिगर बना दी ये है तीन इसमें भी लेकिन ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है तो ट्रायंगल के लिए ये नेसेसरी है कि वो स्ट्रेट लाइन तीन स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होने पर एक हमारा ट्रायंगल बनता है इसमें हमारी तीन साइड्स होती हैं वन टू थ्री तीन बाइटेक्स होती हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं ये हमारे ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और आपको ये पता ही होगी कि तीन टाइप के होते हैं इक्विलेटरल, आइसोसेल्स एंड स्केल ट्रायंगल अब जो हमें एक्सरसाइज में से पढ़ना है इसके बारे में सबसे पहले जानना हमें सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं बॉट इज सिमिलर फिगर्स जो सिमिलर फिगर्स होती हैं सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं सेप सेम होनी चाहिए ये नेसेसरी नहीं है कि उनका साइज़ भी सेम हो जैसे कि मैंने एक सर्कल ये ले लिया और एक सर्कल ये ले लिया अब हैं तो ये दोनों ही सर्कल इसकी रेटियाई मान लो टेन सेंटीमीटर है और इसकी फाइव है साइज इसका छोटा इसका बड़ा लेकिन है तो सिमिलर शेप में तो ये हमारे होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स सिमिलर फिगर्स और जैसे कि मैंने ये ले लिया तो ये भी सिमिलर ही है क्योंकि सेम शेप है लेकिन सिमिलर के लिए एक और जो नेसेसरी टू प्रॉपर्टी दो थिंग्स होती हैं नेसेसरी जो सिमिलर फिगर्स के लिए फर्स्ट तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल के लिए बता रहा हूँ मैं वैसे तो सब के लिए तो जो शेप हैं वो बराबर होनी चाहिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ट्रायंगल के लिए बता रहा हूँ मैं सिमिलर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल अभी समझाऊंगा मैं इसे और सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है हमारी वो क्या होती है जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी सेम जैसे मैंने कोई ट्रायंगल लिया ए बी सी इसका जो एंगल है यह है सिक्सटी डिग्री यह है थर्टी डिग्री और यह नाइन्टी डिग्री और जो साइड है यह फाइव सेंटीमीटर यह थ्री सेंटीमीटर और यह टू सेंटीमीटर ऐसे ही हमने एक और फिगर बना लिया इसमें हमारा ये एंगल हो गया थर्टी डिग्री ये होगा सिक्सटी डिग्री और ये हो गया नाइन्टी डिग्री के हमने और साइड का जो रेशियो होगा वो हो गया हमारा सिक्स और ये हो गया हमारा सॉरी ये होगा नाइन्टी और सिक्सटी टेन और ये हो गया हमारा सिक्स और ये हो गया फोर और ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर अब इसमें देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर मैं इसमें ए बी सी ट्रा लूँ ट्रा ए बी सी हाँ लिख लो इन ट्रा एंगल ए बी सी एंड ट्रा एंगल यहाँ से देखो यहाँ नाइन्टी है यहाँ नाइन्टी किसका है क्यों का मैंने लिया ए बी सी तो नाइनटीन सिक्सटी थर्टी तो नाइनटीन सिक्सटी थर्टी तो क्यू आर पी ये आपको देखना तो यहाँ से क्या होगा मुझे मिलेगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल बी इक्वल है देखो एंगल बी एंगल पी आर के और एंगल सी इक्वल है एंगल सी एंगल पी के ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए इक्वल सेकंड कंडीशन क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी कॉरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए सेम होना चाहिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हाँ ए बी है तो ए बी अपॉन यहाँ पर क्या क्यू आर तो ए भी कितना है मेरा ए बी फाइव है और क्यू आर कितना टेन तो रेशो कितना आएगा वन बाई टू ऐसे फिर क्या बी सी और यहाँ पर क्या है आर पी बी सी अपॉन आर पी तो बी सी थ्री है और आर पी कितना आर पी सिक्स तो ये भी वन बाई टू आ गया ऐसे ही फिर ए सी लेंगे ए सी अपॉन क्यू पी तो ए सी ए और सी टू है और क्यों पी फोर है तो ये भी वन बाई टू तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम आ गया और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल तो ये हमारे हो गए सिमिलर फिगर्स आपको मैं बुक में भी दिखाना चाहूँगा जैसे कि हमें बुक में दिया फ्रॉम द एवर यू कैन ये हमें पहला जो दिया कोर्डिलेटर एज सेकेंड कोआर्डिलेटर इसमें हमें ए भी दिया है वन पॉइंट फाइव और पी क्यों दिया थ्री सेंटीमीटर तो ये इसका टू टाइम्स है और यहाँ भी देखो ये बी सी क्यू आर के टू टाइम्स है फाइव सेंटीमीटर ऐसी सी डी आर एस के टू टाइम्स है फोर पॉइंट एट और ऐसी ए डी पी एस के टू टाइम्स है और एंगल देखो ये वन हंड्रेड फाइव है ये भी वन हंड्रेड फाइव है ये वन हंड्रेड है ये भी वन हंड्रेड है ये सेवनटी है ये भी सेवनटी है ये एट्टी फाइव है ये भी एट्टी फाइव है तो ये हमारे क्या हैं सिमिलर फिगर्स सेम यहाँ पर है हमारा लेकिन यहाँ पर देखो साइड का रेशियो हमें इक्वल थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर और यहाँ थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव तो इनका रेशियो इक्वल आएगा बिल्कुल नहीं क्योंकि ये थ्री और थ्री हम दो ले लेंगे वो तो सेम आ जाएगा लेकिन एक के नीचे थ्री अपॉन थ्री पॉइंट फाइव लेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा तो साइड का रेशियो सेम नहीं आएगा लेकिन यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है लेकिन साइड्स का रेशियो सेम नहीं है तो ये हमारा क्या होगा नॉन सिमिलर ऐसे ही सेम इसमें एक और फिगर दिया हमें यहाँ साइड का रेशियो तो हमें इक्वल दिया है सेम रेशियो में दिया टू पॉइंट वन का टू टाइम्स है ये ये भी टू पॉइंट वन का टू टाइम्स है ये भी टू पॉइंट वन का टू टाइम्स है और ये भी लेकिन यहाँ एंगल हमारे सारे नाइन्टी डिग्री हैं और यहाँ नाइन्टी एक भी एंगल नाइन्टी डिग्री नहीं, तो हाँ, नहीं है तो हाँ हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है तो दोनों कंडीशन जो फिगर हमारा सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा क्या होगा सिमिलर और मैं आपको कौन कॉनग्रंथ फिगर्स फिर्गर, भी बता देता हूँ कौन ग्रंथ फिगर्स कौन से होते हैं कॉनग्रेंट फिगर्स जो होते हैं कॉनग्रेंट फिगर्स वो होते हैं जिनकी शेप और साइज दोनों ही सेम हो जैसे कि मैंने कोई स्क्वायर ले लिया ये रेक्टेंगल बनेगा बन गया इसकी से थ्री सेंटीमीटर मान लो और ये फोर ठीक है ऐसी जो कॉन्ग्रेंच फिगर होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी उसकी जो साइड का रेसो है वो भी सेम आएगा जो सेप है वो तो बराबर होगी ही और साइज भी बराबर होगा जब ही कॉन्ग्रेंच दो फिगर होंगी और एंगल भी यहाँ देखो ये भी नाइन्टी डिग्री है ये भी नाइन्टी है ये भी नाइन्टी और ये भी नाइनटी ऐसी मैं दो सर्कल ड्रॉ कर लो इसकी रेडियस है फाइव सेंटीमीटर और इसकी भी है फाइव सेंटीमीटर जब ये दोनों की रेडियस सेम है और सेम है फिगर भी सेम है तो ये हमारे कॉन्ग्रेंच हैं है और सिमिलर भी है और ये भी देखो कॉन्ग्रेंच भी है सिमिलर भी है लेकिन जो हाँ हमने अभी पढ़ा था ये सिमिलर तो हैं लेकिन कौन नहीं है क्योंकि कौन क्यों नहीं है क्योंकि ये सेप इनकी हमारी रेशियो तो सेम आ रहा है कॉरिस्पॉन्डिंग साइड का कॉरिस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं लेकिन सेप इनकी सेम है लेकिन साइज बराबर नहीं है साइज इसका छोटा इसका बड़ा है। तो यहां से हम एक रिजल्ट मिल जाएगा हमें ऑल कॉन्ग्रंट फिगर्स विल बी सिमिलर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रेंट ये लाइन आपको समझ में आ गई जो हमारी कॉन्ग्रेंट फिगर्स है वो सिमिलर तो हो सकती है क्योंकि सिमिलर की एक सारी कंडीशन पूरी करनी है और कॉन्ग्रेंट की भी लेकिन कॉन्ग्रेंट जो सिमिलर फिगर्स होती है वो कॉन्ग्रेंट की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करती तो ऐसे एक्सरसाइज में इंट्रो में इतना ही है और अब, अब आपको मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ इसमें सॉल्यूशन के लिए ज्यादा कुछ नहीं है सिंपल ही है जो पहला क्वेश्चन दिया ऑल सर्कल्स आर हमारे सारे सर्कल्स कैसे होते हैं जैसे कि ऑल सर्कल्स अब ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है तो ये क्या होंगे सिमिलर ही तो हो सकते हैं क्योंकि जो है साइज शेप की बात की है सिर्फ साइज़ की तो कुछ बता नहीं अगर साइज़ भी इक्वल होता तो हम कह सकते थे ये कौन भी होंगे तो सारे सर्कल्स क्या होंगे सिमिलर ऐसी ऑल स्क्वायर्स स्क्वायर तो हमारा ये भी है स्क्वायर हमारा ए भी है और इससे बड़ा भी हो सकता स्क्वायर हमारा ए भी है स्क्वायर तो सब है तो ये क्या होंगे सिमिलर ऐसी ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर किस टाइप के इसमें दो ऑप्शन दिए हैं आइसोसेल्स एंड एक सारे ट्रायंगल्स क्या होंगे सिमिलर देखो आइसोसेल्स कौन से होते हैं जिनकी टू साइड्स इक्वल होती हैं ये इक्वल होती हैं लेकिन ये नॉट इक्वल होती है और इक्विलेटर कौन से होते हैं जिनकी सारी साइड इक्वल होती हैं अब यहां देखो अगर मैं इसके इसे ले लूँ टू इसे ले लूँ फोर और इसे ले लूँ सिक्स तो इसकी ये तो नेसेसरी है कि ये इक्वल होंगी ये भी टू होगी ये भी फोर होगी लेकिन ये तो कुछ भी हो सकती है तो ये सिमिलर नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो रेशियो बिगड़ जाएगा हमारा लेकिन इक्वेलेटल ट्राइंगल में हाँ इक्वल है तो यहाँ भी तो साइड सारी इक्वल होंगी मान लो ये थ्री है ये भी थ्री है ये भी थ्री है, है और इसे मान लो ये सिक्स है ये सिक्स है ये सिक्स है, है तो रेशियो तो इनका सबका सेम आएगा तो कौन से सारे इक्वेलेटल ट्राइंगल्स हमारे क्या होंगे सिमिलर टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर टू पॉलीगन्स पॉलीगन्स क्या होते हैं जिसमें एन नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं जैसे स्क्वायर हो गया रेक्टेंगल हो गया और ट्रायंगल हो गया और हमारा रोमबस हो गया जितने भी मतलब कितनी भी साइड एन नंबर ऑफ पॉलीगंस होते हैं पॉलीगंस ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स मतलब ये फोर का है तो दूसरा भी हमारा फोर का है ये सेम नंबर ऑफ साइड्स के तो पॉलीगन हो गए आर सिमिलर है कब सिमिलर होंगे देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होने चाहिए इक्वल

और एक ट्रायंगल ले लो ये ए बी सी होगा ये पी क्यू आर होगा इसकी जो साइड्स लो वो प्रोपोर्सन ले लो ये टू है तो इसे फोर कर दो ये फोर है तो एट कर दो ये सिक्स है तो ट्वेल्व कर दो तो अभी प्रोपोर्सन होगी तो ये हमारे बन गया ऐसे नॉन सिमिलर फिगर्स में बनाना है तो नॉन सिमिलर फिगर्स में आप ये बना सकते हो आपने स्क्वायर ले लिया इसकी थ्री सेंटीमीटर है इसकी थ्री है ये हमारी फोर है ये भी फोर है लेकिन जो हमने दूसरी ले ली उसमें हमने फोर ले ली ये फोर ले ली ये फाइव ले ली ये फाइव ले ली तो तब एक सिमिलर है बिल्कुल नहीं है क्योंकि इनका रेशियो तो सेम आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइज का लेकिन इनका रेशियो सेम नहीं आएगा तो ये नॉन सिमिलर हो गई स्टेट वेदर दर्डिलेटर्स आर सिमिलर ऑन नॉट हमें इसमें देखो दो क्वारिलेटर्स दिए हैं वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो तो सेम होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज तो इक्वल होंगे इसका भी वन बाई टू आएगा पी क्यू और ए बी का बी सी और क्यू आर का भी वन बाई टू सी डी और आर एस का भी वन बाई टू और ए डी और एस पी का भी वन बाई टू लेकिन एंगल्स देखो यहाँ यहाँ तो सारे एंगल्स नाइन्टी डिग्री हैं लेकिन ये नाइन्टी से कुछ कम है और ये नाइन्टी से कुछ कम है मतलब कोई नाइन्टी से कुछ ज़्यादा हो रहा है कोई नाइन्टी से कुछ कम हो रहा है लेकिन हाँ सारे एंगल्स नाइन्टी हैं तो ये क्या होंगे हमारे नॉन सिमिलर फिगर्स तो इसी में नॉ यही पूछ रहा है स्टेट वेदर थी फॉलोइंग कॉर्डिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट ये सिमिलर है या नहीं है तो क्योंकि एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये हमारे सिमिलर नहीं है इस एक्सरसाइज में इतना ही कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर न्यू हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्यों जो आपको रेगुलर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू